दोस्तों आज का वीडियो खास है उन लोगों के लिए जिसका मोनेटाइजेशन अभी तक एनाबल नहीं हुआ, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर वॉच टाइम पूरा होने के बाद भी। तो दोस्तों शुरू से अंत तक इसको देखते जाइए तो आपको जो सारी गलतफहमियां है, सारी जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मिल जाएगा। पहले आपको बता देना चाहूंगा, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इधर है। अप्लाई करने के बाद आपको जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो जनरल रूल्स है, ये अक्सर होता नहीं है। किसी किसी को सब्सक्राइबर्स 2000 से 5000 चला गया है, वॉच आवर 10000 आवर तक पहुंच गया है, लेकिन उसका मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, आज इसी के बारे में बात करूंगा और आज आपका जो सारी गलतफहमियां है ये भी दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो YouTube में वीडियो डालते हो तो आप कौन कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे इसको ध्यान देना चाहिए। तो पहला टर्म्स है कीवर्ड। दोस्तों आपको जो वर्ड्स है उसमें आपको हैक, सेक्स, एक्सटॉर्शन, ये बगड़ा जो आपको वर्ड है इस वर्ड्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। दोस्तों मोनेटाइजेशन आपको ना होने का, जल्दी ना होने का बहुत सारी कॉज है, इसमें से एक एक करके आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए चाहे तो। पहला कॉज है, आप जो वीडियो डालते हो किसी पार्ट और पूरा वीडियो आप पहले जो डाला हुआ है उस वीडियो को उठा के आपका साउंड डाल के आप वीडियो बनाते हो तो आपको मोनेटाइजेशन एनाबल नहीं होगा। सेकेंड जो कॉज है, आपका जो वीडियो डालते हो जितनी ही सारी वीडियोज है उसमें आपको फेस 2-1 होना जरूरी है, क्योंकि YouTube जानना चाहते हैं जो जेन्युइन क्रिएटर है या नहीं। दोस्तों इसलिए आपको जितनी सारी वीडियो डालना है उसमें 2-1 वीडियो में आपको फेस दिखा दीजिए। तीसरा रूल्स और तीसरा कॉज क्या है जिसको ना मानने में आपको मोनेटाइजेशन लेट और नहीं भी हो सकते है, दोस्तों वो है YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो स्ट्राइक आ जाते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, उस कॉपीराइट स्ट्राइक को एक्सपायर होने के लिए, और आप समझते हो जो ये कॉपीराइट स्ट्राइक फेक है तो आप उसको रियापील भी कर सकते हो। कैसे रियापील करना है, क्या क्या लिखना है उधर आपको, जिसको देखने को बाद यूट्यूब टीम आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसको 24 आवर से पहले आपको कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए अलग सा वीडियो आपको मिलेगा, आपको जरूरत है तो बताना जरूर मुझे कमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है ये क्या है और क्यों आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ने का पेनल्टी लग सकता है। दोस्तों आप पहला वीडियो डालने के वक्त आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना होता है, जो आप नहीं पढ़ने को बाद भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो और वीडियो को डाल देते हो। दोस्तों इसमें लिखा होता है तो आप किसी भी सिचुएशन में हैकिंग, चाइल्ड अब्यूज और किसी भी तरह गैर कानूनी एक्टिविटीज को आप बढ़ावा नहीं देंगे, और ऐसी कुछ गेम्स है जो हार्मफुल है उसका भी वीडियो आप डाल दिया तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह का वीडियो आपको चैनल में है तो आप तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और ऐसी कुछ वीडियो डाल दीजिए जिसमें ये सारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होने का चांस है ये नहीं है और ये नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो वॉइस कंटेंट है, जो ग्राफिक्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको शायद मालूम नहीं है। दोस्तों जो वीडियो आप डालते हो इसमें ऐसी कुछ वीडियोस को कॉपी है और ऐसी कुछ पार्ट है जिसमें ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, जिसका ग्राफिक्स मोबाइल और कंप्यूटर में अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसमें मोनेटाइजेशन नहीं होगा और इससे डालने के बाद आपको YouTube गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको चैनल में ना डाले तो आपको लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आप किस तरह का वीडियो बनाते हो। दोस्तों आपको चैनल में एक ही टाइप का वीडियोस है तो आपको मोनेटाइजेशन जल्दी होने वाला है, लेकिन आपको चैनल में वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोस है, वेरियस टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स का वीडियो है तो आपको ये मोनेटाइजेशन एनाबल होने के लिए लेट हो सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी के लिए ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए आपको सब्सक्राइबर 2000 है, आप टेक वीडियो डालते हो लेकिन आप कॉमेडी वीडियो डालना शुरू कर दिया, आदर्श कोई एडुकेशनल वीडियो डालना शुरू कर दिया तो आपको मोनेटाइजेशन एनाबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबर्स है, आपका जो जेन्युइन व्यूअर्स है, आपका जो दोस्त है
वो आपका वीडियो नहीं देखते हैं। तो इधर YouTube को लगेगा जो आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो फेक है और आप अलग तरीके से उसको बनाया है। नेक्स्ट रूल्स है आपको एक्सटर्नल व्यूज आपको कितना देखने को मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्रिएटर स्टूडियो में चले जाइए, इधर आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा जो आपको एक्सटर्नल व्यूज कितना है। दोस्तों आपका एक्सटर्नल व्यूज 5% से ज्यादा है तो आपको मोनेटाइजेशन एनेबल होने के लिए लेट हो सकते हैं, और आपको एक्सटर्नल व्यूज 10% से ज्यादा है तो आपको मोनेटाइजेशन फास्ट चांस में एनेबल नहीं होने वाला है। लेकिन आपको इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है जो एक्सटर्नल व्यूज आपको ज्यादा ना हो जाए। तो एक्सटर्नल व्यूज कैसे आते हैं दोस्तों, आपको वीडियो डालने को बाद शुरू में आप व्यू लेने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम में आप पोस्ट करते हो और इसी को लिए आपको एक्सटर्नल व्यूज बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिसको मोनेटाइजेशन एनेबल हो गए है उसको भी एड्स का जो सिचुएशन है, एड्स का जो पोजीशन है ये एंड में रहता है, सामने में ये नहीं रहता। ज्यादातर ये मोनेटाइजेशन एनेबल होने के बाद आप उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा और एक रूल्स, आप जो वीडियोस डालते हो आपका व्यूअर्स का अटेंशन कितना है इसी के ऊपर डिपेंड करता है एड्स कितना आएगा और एड्स को रेट कितना होगा। इसी के साथ साथ आपका सब्सक्राइबर कितना है, आपका सब्सक्राइबर आपका वीडियोस कितना देखता है ये भी महत्वपूर्ण होता है एड्स को रेट को लिए और कितना एड्स आपको एक वीडियो में मिल सकता है। दोस्तों आज का ये ट्रिक्स आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, और लाइक करने को साथ साथ मेरा सारी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो दोस्त मानकर हम लोगों को साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन इधर दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज को लिए इतना ही, आपका प्यार मिलता रहा तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।